फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। यूनिट 6 फ्लूइड मैकेनिक्स का हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप्स। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, जब किसी सर्कुलर पाइप से हमारा जो फ्लूइड फ्लो होता है, और जो फ्लूइड की उस टाइम प्रॉपर्टी इट इज लेमिनार है, मीन्स विस्कस है, ठीक है, तब हमारा जो फ्लो होगा थ्रू सर्कुलर पाइप, तो क्या प्रॉपर्टीज वो सब डिफाइन करेगा, उसका उसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, उसके फॉर एग्जांपल उसके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है तो यहाँ निकलने तक में कितना प्रेशर, क्या लॉस हो रहा है, हेड लॉस, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो पिंक लाइन दिख रहा है, ये हमारा एक पाइप है, और जो रेड लाइन से हमने एक पाइप का एक एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका लेंथ है डेल एक्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारा जो पाइप है पिंक कलर से जो दिख रहा है पाइप है, उसका रेडियस आर है, और जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उसका रेडियस स्मॉल आर है, ओके। ए बी सी डी इज द एलिमेंट, ओके। नाउ द प्रेशर, दैट इज द प्रेशर, बोले तो प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स ऑन द फेस ए बी लिक्विड, ये जो है डायरेक्शन यहाँ है, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। लिक्विड यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ पे प्रेशर फोर्स जो इस फेस पे एलिमेंट का एक्ट होगा, डेट इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज पी एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ओके, सर्कुलर सेक्शन का एरिया, और जो और ड्यू टू दिस द प्रेशर इंटेंसिटी ऑन एक्टिंग ऑन द फेस डी सी, डी सी पे जो प्रेशर इंटेंसिटी एक्ट होगा, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, ये होल जो चेंजेस हुआ है वो प्रेशर इनटू दिस इज द एरिया, चेंजेस क्या है, प्रेशर जो हमारा नॉर्मल जो आ रहा था वो प्लस उसके रिलेशन में डेल पी अपॉन डेल एक्स, जितना लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है, डेल एक्स इनटू डेल एक्स, ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ओके, और ये एरिया हमारा, ये हमारा सेकेंड प्रेशर इंटेंसिटी हो गया। और जो ये दिख रहा है, देखो फ्लूइड इधर की ओर मूव हो रहा है, और ये हमारा एलिमेंट ऐसे रखा है, तो फ्लूइड जब फ्लो इधर हो रहा है तो हमारा शियर स्ट्रेस किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन, तो जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो कितना हो जाएगा, दैट इज टाउ, शियर फोर्स जिसे बोलते हैं, शियर फोर्स इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू 2πr डेल एक्स, ओके। अब 2πr डेल एक्स कैसे आया हमारा, ये तो शियर स्ट्रेस हो गया, शियर फोर्स है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शियर फोर्स एक्ट हो रहा है, टाउ इज द शियर स्ट्रेस एंड 2πr डेल एक्स इज द एरिया, डेल एक्स दिस एंड द 2πr इज द सर्कमफ्रेंस अराउंड द बड़ा वाला जो पाइप है और जो स्मॉल पाइप है उनके बीच का, दैट इज, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फॉर द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू द सर्कुलर पाइप, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन, वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ड्रॉप ऑफ द प्रेशर, ये सब चीज हमारा जो है प्रॉपर्टीज, ये एक्ट होगा जब सर्कुलर पाइप से हमारा कोई लेमिनार फ्लूइड पास हो रहा है। और हम जानते हैं द फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप विल बी विस्कस और लेमिनार अगर हैं, इफ द रिनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, अगर 2000 से रिनॉल्ड्स नंबर अगर कम है, तभी जो फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड है उससे हम बोल सकते हैं वो लेमिनार है। और हम जानते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू आर ई इज इक्वल टू रो दैट डेंसिटी, वी इज द वेलोसिटी, डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप एंड म्यू इज द विस्कोसिटी, ओके, ये हम जानते हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, नाउ डेरिवेशन पे फिर चलेंगे, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट बी डेल एक्स, ये हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया, इफ पी इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द फेस ए बी, देन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द फेस सी डी विल बी पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, यहाँ का इसका प्रेशर बता रहा है इस फेस पे पी है, इस और इस फेस का प्रेशर इंटेंसिटी इतना है, और ये जो मैंने पाई आर स्क्वायर पी के साथ इंटू किया है, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर इंटू किया है, दैट इज द प्रेशर फोर्स, ओके। नाउ ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं फ्लूइड एलिमेंट्स पे जो हमने कंसीडर किया है, द प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज पी पाई आर स्क्वायर ऑन द फेस ए बी पे,
ठीक है, फेस ए बी पे प्रेशर फोर्स। नाउ प्रेशर फोर्स पी डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स पाई आर स्क्वायर एक्टिंग ऑन द फेस डी सी सेकेंड, ओके। एंड द थर्ड वन इज द शियर स्ट्रेस टाउ इंटू टू पाई आर डेल एक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एज देयर इज नो एक्सेलरेशन, हेंस द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मस्ट बी जीरो। ऑल द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज जीरो, द समेशन ये बोला है। तो ये देखो ये हमारा ये फ्लो इधर की ओर हो रहा है, तो पी इंटू पाई आर स्क्वायर ये प्रेशर फोर्स, ओके, प्लस ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स माइनस ऑफ पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स पाई आर स्क्वायर प्लस जो हमारा सी स्ट्रेस अभी अपोजिट में लग रहा है, तो माइनस टाउ इंटू टू पाई आर डेल एक्स, ठीक, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज जीरो। तो ये देखो ये प्लस था प्लस हो रहा है और ये माइनस है, टोटल माइनस, ये प्लस ये माइनस, इट इज माइनस, टोटल माइनस। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसे खोलेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा माइनस डी पी अपॉन डेल एक्स पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ टू पाई आर डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर माइनस टू टाउ, बाकी सब कॉमन लेके हमने इधर भेज दिया तो जीरो हो गया, ठीक है। देयरफॉर टाउ सियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई टू, हाँ ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर वन, यही हमारा जो मेन आया है मेन इक्वेशन है सियर स्ट्रेस जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, दैट इज माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई टू। ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन हमें वेरिएशंस बता रहा है सियर स्ट्रेस का, सियर स्ट्रेस का वेरिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है वो ये इक्वेशन बता रहा है। क्या बता रहा है ये सियर का, यहाँ पे जो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, देख रहे हो आप सियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आई मीन जैसे जैसे रेडियस सेंटर से पाइप के सेंटर से जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ते जाएगा। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लें, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, देयरफॉर मींस सियर स्ट्रेस हमारा क्या है लीनियर। ये जो हमारा यहाँ मैं दिखा रहा हूँ जो कर्व है, ये कर्व है सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पैराबोलिक नेचर का ऐसा होगा। अब ये कैसे पता कि हमारा, ये तो हमें पता चल गया इस इक्वेशन से कि हमारा ये लीनियर हो जाएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी, जो वेलोसिटी बना है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है कैसे पता चलेगा, इसके लिए अब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे पैराबोलिक बना। बाय द वे हमें किस किस चीज़ का डिस्कस करना था, मैं शुरू में ही आपको चार प्रॉपर्टी बताया था जिसके बारे में हम यहाँ फ्लो थ्रू पाइप होगा तो ये सब चेंजेस होंगे ये दिखाऊंगा। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था, सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखा दिया, अब मैं वेलोसिटी दिखा रहा हूँ। फिर बचेगा रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी और ड्रॉप ऑफ प्रेशर, क्या ड्रॉप हो रहा है, ये सब जो घटनाएं घट रही है यहाँ पे ये सब मैं आपको लाइन बाई लाइन दिखाऊंगा। सियर स्ट्रेस दिखा दिया, अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं कैसे होगा। अगर आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वेशन बनाना है तो टी टाउ इज इक्वल टू डेल यू अपॉन, इट्स नॉट डेल यू इट्स डी यू, डी यू अपॉन डी वाई इक्वेशन वन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन वन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको इसके लिए इक्वेशन बनाना है तो ये जो हमारा इक्वेशन वन है यहाँ टाउ की जगह अगर आप म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई पुट कर दें तो आपका इक्वेशन बनने लगेगा, कैसे होगा देखते हैं। फिर उससे पहले बट इन दिस रिलेशन, इन दिस रिलेशन टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई where y is measured from the pipe wall, pipe का जो wall है
उससे वाई का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। इस इक्वेशन में जो वाई है वो पाइप का जो वाल है वहाँ से हमें नापना है, ठीक है। देयरफॉर जो वाई हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब इसका आप क्या करो, दैट इज करोगे डी वाई इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू आर दिस माइनस डी आर, ठीक है। देयरफॉर जो आपका इक्वेशन नया इक्वेशन बनेगा यू डेल यू अपॉन डी वाई की जगह माइनस डी आर, विच मीन्स म्यू डी यू अपॉन डी आर। अब ये जो टाउ आया है आपको ये इक्वेशन वन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन वन, तो माइनस दिस डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर अपॉन टू, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या हमारा डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू वन अपॉन टू म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स और ये आर, लिख सकते हैं। नाउ ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू आर आया है ये तो एक वाल के लिए एक फेस के लिए है। अगर आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू आर। नाउ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर म्यू, ठीक है, ये म्यू है, वन अपॉन फोर म्यू क्या आएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस सी, ये आएगा, ओके। वे सी क्या है, सी है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब सी की वैल्यू निकाल कर अगर आप यहाँ सी की वैल्यू रख दें, क्योंकि हमें अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है एकदम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हमें इक्वेशन का हर एक वैल्यू पता होना चाहिए। अब ये सी वेलोसिटी कांस्टेंट हमें किसी तरह निकाल के यहाँ अगर पुट कर दें तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन अगर यूज़ करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन यूज करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जो स्मॉल आर है स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दें और अपना जो यू है उसकी जगह अगर जीरो पुट कर देंगे, मीन्स स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दें, हम लोग यूज कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर और यू की जगह जीरो, ठीक है। मीन्स अब यहां से हम लोग ले रहे हैं, दिस मीन्स अब ये वैल्यू पुट करें, देखें यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, दिस नाउ सी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अभी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब माइनस वन अपन फोर म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स ले लेंगे तो ये उल्टा हुआ, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब डेल पी अपॉन डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर और विस्कोसिटी अगर रिमेन कॉन्स्टेंट हुआ हर पॉइंट पे, अगर हम लोग मान लिए कि ये कांस्टेंट है, देयरफॉर जो हमारी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन किसका बनेगा, दिस इज अ पैराबोलिक का इक्वेशन है, इसलिए हमारा ये पैराबोलिक नेचर का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना है, ओके। नाउ इसी में हमारा अगला टर्म था रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा कब होगा, इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन थ्री, ठीक है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा कब होगा, जब इक्वेशन थ्री जो आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा वन अपॉन फोर म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तब हमें इसका ये सबका जो हल्का फुल्का कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। इस इक्वेशन को दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फोर। नाउ अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम यू डैश से डिनोट करेंगे, इसको इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग द डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड across the section
बाय द एरिया ऑफ द पाइप पाई आर स्क्वायर. दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी मीन्स यू डैस निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्टेन बाय डिवाइडिंग द डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज है दैट इज क्यू से डिस्चार्ज को डिनोट करते हैं, डिस्चार्ज को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा. और कौन सा एरिया, पाई आर स्क्वायर, ये पूरा पाइप का एरिया. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्चार्ज निकाल लेते हैं. डिस्चार्ज कितना होगा, डी क्यू इज इक्वल टू दैट इज वेलोसिटी एट अ रेडियस स्मॉल आर इंटू एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट. ओके, वेलोसिटी ऑफ रेडियस दैट इज यू, ओके, इंटू एरिया ऑफ रिंग दैट इज टू पाई आर डी आर. ओके, अब ये बोलोगे डी आर कैसे आया एरिया में, टू पाई आर तो उसका सर्कमफ्रेंस हो गया, डी आर जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है ना, उस एलिमेंट का स्मॉल लेंथ, ठीक है, दैट इज द डी आर. नाउ अब देखो यू हमारा कितना आया था, माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर डी आर. इक्वेशन थ्री में जो हमारा यू आया था, मैंने उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू डी क्यू. ठीक है, ये तो डिस्चार्ज आपका हो गया उस एलिमेंट के लिए. टोटल डिस्चार्ज निकालना, तो क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें. कहाँ से इंटीग्रेट कर दें, जीरो से आर तक, इसे इंटीग्रेट कर दें जीरो से आर तक, इसे इंटीग्रेट कर दें. अब इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये इक्वेशन बनेगा, क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टू पाई. ये तो कॉन्स्टेंट टर्म था, मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, बचा के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और जो टू पाई आर का आर यहाँ था और टू पाई हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट था, और डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करो इसको, तो जब आप इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे पूरा, तो आपका मिलेगा वन अपॉन फोर म्यू माइनस डी पी अपॉन डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टू पाई, ये आर को अंदर इंटू कर दो और फिर उसका इंटीग्रेट करना है, तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस फोर अपॉन फोर जीरो से आर. ओके, देयर फोर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टू पाई इंटू लिमिट पुट करो, तो आपका आर फोर अपॉन फोर, आर फोर अपॉन, और ये आर फोर हो जाएगा, ये जीरो पुट करोगे ये. ठीक है, नाउ क्यू इज इक्वल टू पाई अपॉन टू एट, एट म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर फोर बचेगा. नाउ अब एवरेज वेलोसिटी, फॉर एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या बताया था, डिस्चार्ज जो है उसको एरिया से डिवाइड करना होगा, तो डिस्चार्ज हमारा आया पाई अपॉन एट म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर फोर अपॉन एरिया इट इज पाई आर स्क्वायर. तो इससे जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आया, वन अपॉन एट म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर दिस इज माई इक्वेशन नंबर फाइव. ठीक है, अब हम जानते हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमारे पास है, इन दोनों को डिवाइड करें, क्योंकि यहां आप खुद बोला है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू 2.0 आएगा. अब डिवाइड करके देख लेना, बहुत ईजी डिवाइड होगा. ठीक है, दिस मीन्स द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.0. ओके, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा रह गया है इसका, ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप. प्रेशर ड्रॉप के बारे में डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं. ओके, अभी तो हम लोग ये लेमिनार का फ्लो देख रहे हैं. ठीक है, जब टर्बुलेंट फ्लो देखेंगे ना, तो उसमें भी ऐसे ही तीन चीज निकालना रहता है, सेम प्रोसेस है, तब मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, अभी फिलहाल ये देखें. नाउ ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर अ गिवन लेंथ एल ऑफ पाइप, पूरा जो लेंथ है पाइप का, टोटल लेंथ एल, उस पे टोटल जो कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो देखेंगे. फ्रॉम इक्वेशन फाइव हमारा क्या था, दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एट म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ये था. तो मीन्स डेल पी अपॉन
डेल एक्स इज इक्वल टू एट म्यू दिस अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ऐसा कुछ हो जाएगा ना। जब इसे इंटीग्रेट करना तो ये आ जाएगा टोटल वैल्यू अपना डी पी टू से वन इज इक्वल टू टू से वन एट दिस म्यू यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स वन माइन डी एक्स ना, सॉरी डी एक्स, ठीक है। नाउ पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू एट म्यू दिस अपॉन आर स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स टू। अभी मैथ्स का पेपर आपका शायद हुआ था तो आई थिंक इंटीग्रेशन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस को जब आप इधर भेजोगे म्यू यू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस को आपने इधर भेजा है मीन्स ये उल्टा हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके नाउ पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू एट म्यू यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस एक्स टू माइनस एक्स वन इज द लेंथ लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द पाइप। ओके वेयर एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू टोटल लेंथ। नाउ ये और आर इज इक्वल टू डी बाई टू भी होता है, ये भी हम जानते हैं। तो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू डी बाई टू, यहाँ पुट करोगे तो डी स्क्वायर अपन फोर, तो एट से ऊपर फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिट इज 36 सॉरी 32 32 म्यू यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब हम जानते हैं पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी क्या होता है, ये होता है लॉस ऑफ प्रेशर हेड। हम लोग बर्नौलीज़ इक्वेशन में देखा था पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी क्या होता है हमारा, दैट इज लॉस ऑफ प्रेशर हेड। देयरफोर अगर हम रो जी दोनों तरफ लगा दें तो हमारा जो पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी दैट इज प्रेशर लॉस इज इक्वल टू 32 म्यू एवरेज वेलोसिटी इंटू लेंथ रो जी इंटू कैपिटल डी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। और इस इक्वेशन का जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है हमारा हैजन पॉजली फॉर्मूला। ओके आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।